तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो पर सुबह सुबह। तो गाइस फाइनली मैं सो के उठा हूँ, तो अरे फ्रेश अप होते हैं। फ्रेश अप होने के बाद घर की तरफ पर सफाई करेंगे। पता नहीं प्रियंका जी कहाँ गया, वो गया होगा शायद उसका वहाँ पर। और मनु भाई भी आने वाला है हमारे यहाँ पर, और बिजली की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ऑर्डर किया हूँ वो एक तो सोलर तो गीत में मिला है वो भी, तो पहुँच जाएंगे, आज पहुंच जाएंगे। अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं। अपना धंधा तो बस वीडियो ही बनाना है गाइस दोस्तों, ये है अपना बिजनेस और कुछ नहीं है। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे खेती, और पम्पकिन का खेती स्टार्ट करेंगे, और ये भी पूरा इसको क्लीन कर देंगे सारा तरह पूरा। तो धीरे धीरे करके ना गर्मी का सीज़न आ रहा है, गर्मी का सीज़न आने से ना हमारे यहाँ पर खुजली करने वाला कीड़ा बहुत होते हैं, वो उसका बाल तरह सा शरीर में लगने से बहुत खुजली करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है उस कीड़ों से, इसलिए थोड़ा साफ सफाई कर देंगे ये सब कुछ। और मनु भाई को आने के बाद उसको खाना खिला देंगे, तो उसका वीडियो फिर उनका ऑर्गेनिक ब्लॉग्स में आ जाएंगे। और यहाँ पर सबके सब सुबह सुबह आग ताप रहे हैं, तो हम लोग इसे खा लेके आए हैं। टमाटर पर किलो 15 रुपया, और इसमें है बैंगन तो लगता है ये आस पका के कुकिंग करके फिनिश कर देंगे। और हमारा यहाँ पर ना काफ़ी सस्ता है टमाटर, ज़्यादा लेंगे तो 10 रुपया 12 रुपया ऐसे कुछ मिलते हैं, तो हम लोग को लेके आया 15 रुपये में, तो और भी ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे तो 12 रुपया पकड़ लीजिए, सस्ता है पूरा ऑर्गेनिक ना। और टमाटर काफ़ी सर रहे हैं यहाँ पर, बहुत लोग करते हैं, और जिस जगह में ज़्यादा सप्लाई होते हैं वहाँ पर सस्ता आते हैं। तो सप्लाई तो मतलब इतना नहीं है हमारे यहाँ पर ना, जनसंख्या की बहुत ही कमी है, इसी वजह से सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। और कुछ जगह में सरसों ना बहुत महंगा आता है, हमारे यहाँ पर सिर्फ 35 रुपया 37 रुपये चल रहा है सरसों की कीमत। और दोस्तों खास दुख होता है कि सनातन भाई के लिए भी मैं यहाँ से वो लेके जाता, और सरसों का तेल पूरा लोकल वाला धूप नहीं है उसको सुखाने के लिए। तो हम लोग जाएंगे झारखंड मनु भाई के साथ, और हो सके तो एक दोस्त भी ले लेंगे, तो तीन लोग जाने की कोशिश करेंगे गाइस। और दोस्तों फाइनली फ्रेश अप भी हो चुका हूँ, और धीरे धीरे करके बारिश भी होने लगा है, और वाइप वाइप गया है वहाँ पर बर्तन सफाई करने के लिए। यहाँ पर वाइपिंग कर रहे हैं ताली बर्तन, और अभी मुझे जाना पड़ेगा चावल खरीदने के लिए, और क्योंकि मनु भाई भी आ रहे हैं, मनु भाई का खाना खिलाना पड़ेगा। यहाँ से बैंगन खिलाएंगे ना, हाँ बैंगन खिलाएंगे उसको। और हम लोग खरीद के लेके आया खाल वो टमाटर, और टमाटर भी खिलाएंगे। और अभी चलते हैं चावल खरीदने के लिए, 50 किलो खरीदेंगे, और काल नहीं मिला, और इस तरफ जाके देखते हैं दूसरा दुकान पे 50 किलो, पता नहीं 50 किलो कितना पड़ेगा। और हम लोग तो चावल खरीद के नहीं करते हैं, हो चुका है लगभग 10-12 साल के आसपास, तो खेती कर रहे हैं, खेती का चावल ही खाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद चावल खरीदते खाना पड़ेगा, 50 किलो खरीदेंगे, और साइकिल में बैठा के लेके आएंगे, और बारिश ना होने से पहले। तो साइकिल से तो नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए, और साइकिल ख़राब भी हो सकते हैं। और मेरा वेट अभी हो चुका है 77 किलो समथिंग, तो पहले था 84, काफ़ी कम हो चुके हैं। अरे साइकिल पूरा बहुत डांसिंग करता है यार साइकिल, चलता है। सो पहुंच गए हैं दुकान पे, तो दुकान तो बंद है, लगता है बुलाना पड़ेगा या जगना पड़ेगा, शायद अंदर में कोई हो सकता है, पता नहीं। ओ दुकानदारी, अंदर में तो कुछ फालतू हो रहा है, अंदर में कोई सो रहा होगा। यहाँ पर चावल कितना है मलकिन, कितना? 50 किलो चावल, पहली बार खरीद रहा हूँ मैं चावल दुकान से। कितना? 750 रुपया एक बैग, तो ये सब 50 किलो है ना। वीडियो से मतलब भागते रहते हैं क्योंकि बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आते हैं, और ज़्यादातर देहात में गांव में ऐसे आते हैं और हिंदी बोलने के लिए नहीं आते हैं, और इवन मुझे भी ठीक से बोलने के लिए नहीं आते हिंदी, तो सीखना पड़ेगा मुझे हिंदी अभी। तो यहाँ से निकलते हैं, वन बैग अभी पेमेंट करते हैं,
17,000 रुपया एक क्विंटल है, 3500 रुपया चावल, काफी मेहनत करना पड़ता है। फाइनली ले चुका हूँ 50 किलो चावल इसी दुकान से, और अभी चलता है यहाँ से, उसके बाद हम लोग का चूल्हा जलेगा यार। और आज ही पता चला चावल कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो घर पे, मैं जब घर पे जाता ना चावल ऐसे थे, क्या करता था मैं, जब जिस दिन आप अपने कमाए का पैसे से चावल करके खाएंगे ना, तो अभी पता चलेगा, आज ही पता चला चावल के लिए क्या करना पड़ता है। और आज के बाद मैं एक भी चावल नहीं फेंकूँगा, सब फ्रीज कर दूँगा। तो चलते हैं अभी, तो साइकिल में हवा बहुत कम है, रोड का हालत भी ठीक नहीं है, और बिजली भी नहीं है, और कोई बिजली दिया भी नहीं है बनाने के लिए हमारे यहाँ का वायर को फिट करने के लिए। बिजली बिल तो लेते हैं बार बार के इंटरेस्ट के साथ, जब लेट होंगे तब, और जब मुसीबत में पड़ गया था कोई भी आता नहीं बिजली विभाग से देखने के लिए। 50 किलो चावल खरीदे हैं गाइस, 50 किलो, तो हम दोनों मियाँ भी इसे खा लेंगे लगभग 20-25 दिन के आसपास। अभी इसको उतारना गाइस, मियाँ भी इसे कितना महीना खाते हैं देखते हैं। ए चावल गिर रहा है उधर नीचे, गिर रहा है हाँ, ऐसा है उल्टा हो गया है क्या, उधर फेंको ना, इधर इसको इधर हाँ। चलो साइकिल भी बैठे ना, साइकिल हाँ, तुम इजी हो गया, पकड़ इजी हो गया। ए देखो पूरा ये चिंदा हो गया, ये छेद हो गया हाँ, इसीलिए चावल गिर रहा था। ऐसा है, कोई बात नहीं, इसका देना पड़ा मुझे 1750 रुपये देना पड़ा। उतारो उसको पहले, सॉरी हाँ 1750 सही है हाँ। और साइकिल को, साइकिल यही छोड़ देते हैं, तेरा ही साइकिल देना। हाँ मेरा ही साइकिल है, संभाल के ये फट जाएगा, अंदर में रख दो। इधर नहीं, इधर रख दो, इधर साफ करते समय इजी होगा हाँ। और गैस मैंने कपड़ा पूरा इधर उधर रख दिया है, क्योंकि मैं झाड़ू मार रही थी, कपड़ा बाहर निकाल लिया है, तो वो वाला तो हो चुका है, बस ये बाकी है झाड़ू मारना, तो ये झाड़ू मार लेते हैं। और अभी साइकिल को रख देते हैं जहाँ से लेके आया वहाँ पर, पसीना छूट गया यार इतने सारे चावल के लिए इतना पैसा छोड़ना पड़ता है। और खाना खाते हैं अभी, और मुँह में पता नहीं खो पाएगा, वो आना से फिर से खाना बनाएंगे। तो आखिरकार मुनू भाई पहुंच गया हमारे घर पे और गिफ्ट दे दिया मुझे, थैंक यू। बढ़िया हैंडसम गिफ्ट है। ये एक पार्टी लाया हूँ मेहमान आने से बैठने के लिए। ओके तुम लोग नया घर लिया है ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी हूँ, थोड़ा सा दुखी भी हूँ लेकिन क्या करूँ, ये देखो आदमी आने से बैठने के लिए ओके ये लाया हूँ, गिफ्ट है चल गया। और यहाँ पे मतलब एक्चुअली मेरा मतलब खुद का गाड़ी नहीं है ना, दूसरों का गाड़ी में आया हूँ, तो इसलिए सामान पकड़ नहीं पाने, तो मैं और भी सामान लेना था। और यहाँ पे ये पानी पीने के लिए, ओ कितली बढ़िया है और दस्तावेज आएंगे मार्केट की तरफ पे, तो और कुछ पैसे भी निकालेंगे। और मुनू भाई को खाना खाने के बाद वो भी जाएंगे, हम तीनों जाएंगे एक के साथ एक ही बाइक में, तो वहाँ पर मोबाइल वगैरह तो चार्ज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं हो है, तो वहाँ पर थूक गया था ना, इसलिए बहुत बड़ा खेल गिरा था, ये तो मैं 2-3 दिन से वीडियो से बता रहा हूँ। लेकिन अभी मुनू भाई भी जाएगा, तो मुनू भाई थोड़ा रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और आते समय मुनू भाई हम लोग को लिए ना बढ़िया बढ़िया गीत लेके आ चुके हैं, तो ये लोग अभी फिलहाल रेडी हो रहा है जाने के लिए, गाय से चलते हैं उस तरफ। यहाँ से ले चुके हैं कपड़वा ये, और अभी चलते हैं वाइफवा का खोज के, और अभी बर्तन के दुकान पर चलते हैं, वहाँ पर मोनू भाई हम लोग के लिए क्या क्या खरीद रहा है, तो वहाँ से पूरा काफ़ी सारे शीश गिफ्ट में देने वाला है, ये वाला भी दे रहा है गिफ्ट, और ये वाला, और पता नहीं यहाँ से क्या क्या लेके गिफ्ट में दे रहा है, और वहाँ पर जाके बंदोबस्त कर रहे हैं मालिक के साथ।
मुझे आलू प्याज आ गया। चाय चाय मेहमान चाय पिएगा। इतना सामान कैसे लेके जाएगा यार? कोई बात नहीं। ए, क्या बोलता नी? आराम आराम से लगाइएगा। काफी सारे सामान अंदर का डाला है। मैं दुगाया मुकुमी जी गुरी। और काफी सारा सामान ले चुके हैं, अभी चलते हैं यहाँ से। तब ये लग जाएंगे पहुँचाने के आजमीन का साथ। ये बॉलीवुड का सेलिब्रिटी का तुम लोग खाना है। ये लोग जा रहा है पहुंचाने के लिए और हम लोग यहाँ पर और वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे। लगभग एक मिनट से ज़्यादा टाइम बचा है तो जाएंगे। काफ़ी सारा सामान ले चुके हैं। और अभी भी हम लोग जाने का तैयारी करते हैं। बारिश भी होने लगा धीरे धीरे करके। चलो एक मिनट बाकी है। 75% 76% 77% 78% 80% ठीक है। ओके मोनू भाई आसमिन होटल वो लोग चला गया। बस अभी हम दोनों ही बचा यहाँ पर और कम्प्लीटली वीडियो अभी अपलोड हो चुके हैं। दूसरे करके बारिश भी होने लगा और फाइनली पहुँच गया हम लोग। और मोनू भाई आसमिन भाई वो लोग भी आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं दोनों एक ही साथ। आजमिनवा और मनुजवा और आजमिनवा और मनुवा आ रहा था तब का तब वहाँ पे बच्चे लोग बिग फैन बिग फैन बिग फैन बोल रहा था। मुझे लगा कि बिग चड्डी। आजमिनवा बिग चड्डी बिग चड्डी नहीं लगता है। आंटी भालना नो बिग चड्डी नो बिग फैन। इसको अंदर रखते हैं और इसे डालते हैं अंदर पे रखते हैं। और मुझे लगा कि बहुत तेज़ी से बारिश होगा लेकिन तेज़ी से बारिश नहीं हुआ। वाह तो हम लोग काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं और वाह इसी में तो इसमें हम लोग आलू मिर्ची सब्जी इसे कुछ रखेंगे। तो ये रैक यहाँ पर ताली बर्तन कुछ डाल के रखेंगे और इसमें हम लोग चावल तल के रखेंगे। ज़्यादा महंगा लिया है जानते हो कितना लिया है? 250 ले आए हम। इतना ज़्यादा नहीं होता वो चीज़? हाँ इतना ज़्यादा नहीं होता इससे। धोखा दिया ना तो काफी बढ़िया है। अंदर रख देते ना अभी। हाँ अभी अंदर रखते हैं और यह रखने के बाद जाएंगे नहाने के लिए मनुष्य के रिसोर्ट में। काफी सारा सामान है तो सबसे ज्यादा ये महंगा है। इसका प्राइस है 1700 रुपया। ये किचन में लगा देंगे। ये सब किचन का सामान है। घुसाओ अंदर। ओके सफाई करने के बाद संभाल के इसी स्टील ना पूरा खा सकता है। बहुत धार होता है ये चीज़। हाँ सबसे ज़्यादा तो ये धार है। ये थोड़ा लगने से गियो और यार ना वो नया नया घर पे शिफ्ट होने से ना बहुत सारे वो सामान चाहिए। मतलब वो आज ही पता चला मुझे तो मुझे लगता है कि 10-15-20 हज़ार में हो जाएगा। उससे भी डबल चाहिए 50-70 लाख रुपये चाहिए ना तब घर जैसे लगता है। बढ़िया से बस वाइप कर तो इससे बस करना। ये बहुत धार है ये बहुत तेज है। ये कैसा है सामान? वाह ठीक है। ओके ठीक ठाक। वाह मस्त मस्त सजा के रखा है। वाह बढ़िया है ये मतलब टेम्पोरी के लिए। तो अरे इसमें काफ़ी सारे चम्मच है तो एक एक करके प्रयोग करना। इसको यहाँ पर खरीदा है आज एक काल दो ऐसे करके। इसमें कढ़ाई बड़ा कढ़ाई छोटा कढ़ाई है और ये यहाँ पर लकड़ेगा साले साहब। या काफ़ी बढ़िया लगेगा बहुत हाल पड़ता है साले साहब। हाँ हाथरा सा मार मार के। वाह रेडीमेड प्याज भी लेके आया तू? और क्या? और मिर्ची? मिर्ची नहीं है फिर से लाने जाना है। अभी तो मम्मी के घर से उतार तक खा रहे हैं। ओके कल खरीदेंगे ना बहुत। हाँ, कल खरीदेंगे। वाह अभी बढ़िया लग रहा है यार। पूरा बढ़िया करके सजा दिया साले साहब ने। वाह पूरा हैंडसम यहाँ पर रहेगा वो कबर्ड गैस यहाँ पर रहेगा और इसमें पूरा कुकिंग हो जाएंगे। और अब इसमें कील है इसको भी निकलना पड़ेगा।
तब बढ़िया लगेगा इसमें, इसमें कुछ रखेंगे सामान ऊपर का, देखो इसमें वो लगाना है। ओ, सर। So guys, अभी पूरा सामान पूरा बेचा दिए हैं और चलेंगे अभी पंपुमा के रिसोर्ट में नहाने के लिए। तो मैं नहीं नहाऊंगा और मोनो तो नहाएंगे, तो उसका प्लान है नहाने का और मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि काफ़ी ठंडा है और मैं हो सके तो रात को भी नहा लूँगा। और भाई तो बहुत दिनों के बाद मोनू भाई से मुलाकात हो चुके हैं, मोनू भाई वहाँ पर है और मोनू भाई काफ़ी सारे मतलब गिफ्ट लेके आ चुके हैं, तो उसका वीडियो भी मिल जाएगा और हम लोग को दे चुके हैं गिफ्ट। तो वो सिर्फ मतलब खुला सा मत करो बोला है, तो मैं फिर भी बोलता हूँ और बोलता है कि तू खुद खरीदे बोला है, तो लेकिन वो पैसा तो वो दे दिए हैं, लेकिन कुछ हम लोग दिए हैं कुछ उन्होंने दिए हैं, मतलब गिफ्ट दिए हैं। और गैस नहाने के लिए चलते हैं, मैं नहीं बल्कि वो नहाएंगे। उसके बाद हम लोग आते आते प्रियंका इसमें कुकिंग कर रही है, तो वहाँ से आने के बाद खाना खिलाएंगे। उसके बाद बोला है कि थीजू की तरफ पे जाएंगे, उसका काफ़ी सारे दोस्त लोग वहाँ पर बुला रहा है और लेने के लिए भी आएंगे बाद में। कुकिंग हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ से आने के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे मतलब मुन्नू भाई को छोड़ देंगे। और सब्जी भी पता नहीं प्रियंका जी गया उस तरफ बीती बढ़ाने के लिए, और सब्जी पता नहीं क्या बनाएंगे वो बाद में देखना उस मिनट के बाद। और दोस्तों ये पंपुमा रिसोर्ट में पहुँच गए हैं और मैं हेलमेट तो लगाया हूँ, तो वो एक्चुअली वाइजर खोल के आ रहा था आँख में पूरा, और चींटी घुस गया उड़ने वाला चींटी पूरा, इतना दर्द के इतना दर्द के ये आँख। फिर मैं मैनेज करता हूँ और आ भी जाते हैं पंपुमा को खोज खोज के अंदर पे, यहाँ पर लिखा है नो एंट्री, अंदर पे ही है मिस्टर पंपुमा। Oh my god! क्या फार्क 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 बना रहा है फार्क, बहुत ही बढ़िया शेफ, अरे बड़ी तो बढ़िया बन गया। लोकल स्टाइल कोई आ रहा है क्या? हाँ हाँ दोस्त लोकल स्टाइल में। ओ ओके आ गया ये इधर में क्या है? कृष्णा भगवान का आशीर्वाद लेके। मैं यहाँ पर ना काफ़ी सारे बकरी खाया हूँ, तो बकरी खाने के बाद मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया है, लगभग 7-8 खाया मिर्ची काले नमक के साथ। हाँ ओ साबुन चाहिए था, साबुन ये मिस्टर सिंगल हुआ तो इसको चाहिए तो लाइव मार सकते हो इंस्टाग्राम में, क्या नाम दे रहा है इंस्टा में मनोज एडवेंचर, लाइव मार सकते हो सिंगल है तो इसको लाइव मारने वाला लड़की ना यहाँ पर खाने के लिए आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? हाँ नहीं 50% 60% 70% बाद में तो फ्री हो जाएगा ना। बाद में फ्री हो जाएगा। अरे मोनू भाई नहाएगा, मोनू भाई गया नहाने के लिए यहाँ पर, और वो पंपम भाई से यहाँ पर वो सब जेसीबी से कूड़ा किया है थोड़ा स्विमिंग के लिए। गहरा है और सेंटी कूदा किया ये। चड्डी पहन के नहा रहा है क्या? हाँ चड्डी पहन के हम हाँ पहली बार नहा रहा है चड्डी पहन के। ओके बढ़िया है, मस्त और हैंडसम ही है। खाना खा रहा है उसका हाथों है ना, कैसा बहुत ठीक है ना। सो दोस्तों फाइनली खाना वाना खाने के बाद मोनू भाई को पहुंचा दिए हैं आलूवाड़ी तक, और उसको लेने के लिए आए हैं कुछ दोस्त लोग, दो दोस्त लोग लेने के लिए आए हैं खार से। और वहां से आने के बाद ना एक हादसा होने वाला था, वो हम लोग आया था शॉर्टकट में कुछ वो गाँव चिर पार के, हम दोनों को ना प्रियंका जी और मुझे कुट्ठा मतलब काटने के लिए दौड़ाया था, लेकिन वो छोटा प्रजाति एक कुत्ता है ब्राइटी और सफेद वाला और ऐसा वाला, हम तो हम लोग बाइक को फिसा किया हम लोग को काटने के लिए, तो वो काट नहीं पाया हम लोग आ गए लौट के। तो रात को बाइक से इधर उधर ट्रेवल नहीं करना है, तो दोस्त इसलिए मैं अपना दोस्त को छोड़ दिया हूँ। तो रात को ज़्यादातर ना ऐसे हादसा होते हैं, लड़ाई होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए मैं साथ में तलवार बुक के ले गया था, तो वहाँ पर ना कुछ लड़का लोग है वहाँ पर वो लफड़ा करना चाहते थे, तो मेरा हाथ में तलवार दिखा दिया इसलिए झगड़ा वगैरह कुछ नहीं किया, वो लोग चला गया अपना वो साथ में चला गया, वो लोग अपना गांव की तरफ चला गया।
अब हमारे पास तलवार नहीं होता तो कुछ ना कुछ करते, या मोबाइल छीन लेते या मारपीट करते हैं, और बस रात तो घूमना है ना, तलवार लेके घूमो। मैं सलाह दूंगा ऐसा वाला जगह पे, तो इसलिए अच्छा किया मैं वो शीश लेके गया था बुक के, मेरा तलवार दाव है उससे, वो देखने के बाद चला गया। दारू पीने वाला आदमी या पता नहीं क्या ड्रग्स खाने वाला आदमी होगा, वो लोग दो दिन हाथ में आ जाए चारा करने के लिए। अगर वो ना होता मोबाइल छीन लेता, रात को पहुंचा दिया मुनुभाई को, मुनुभाई बोला कि पहुंचा दो, तो पहुंचा दिया। क्योंकि रात बहुत ट्रिक्स होते हैं बाइक के साथ, मेरा साथ गया है वाइफ मोनू, मैं तीन गया है कि बाइक में, और रोड बहुत फिसलते हैं। 2-3 हाचा से हम लोग कल रात को बस गया था। और तो गाइस आज की वीडियो को अभी फिनिश करेंगे, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नया वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट, रात तो हुई है, गुड नाइट तो है, सुनने वाले हैं, बाय बाय।